गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है ए लॉन्ग स्टेट वायर है जिसमें करंट हमारे पास क्या है फाइव मिली एम हमें निकालना क्या है फाइव मिली एम ध्यान दें इस चीज़ पर फाइंड द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर अलोंग ए क्लोज पाथ विथ राउंड सी वायर तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी डोट डी एस हमें पता होना चाहिए या बी डॉट डी एल हमें पता होना चाहिए वायर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है वन डायमेंशनल है तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब बी डॉट डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बी डॉट डी एल हमें चाहिए फ्रॉम एम्पियर सर्किट लोग क्या बताता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इन आई मिनोट नोट की वैल्यू क्या होती है फोर पॉइंट टू टेन टू पावर माइनस सेवन जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं करंट हमारे पास क्या है फाइव मिली एमपियर इंटू टेन एज टू पावर माइनस थ्री इट इज़ इक्वल टू फोर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस एट दैट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू पावर माइनस एट ये तो जस्ट मैथमेटिकल हुआ तो यहाँ से यूनिट क्या हो सकती है बी डॉट डी की बी की यूनिट क्या होती है टेस्ला और डी एल लेंथ है लेंथ की क्या होती है मीटर तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी जो भी मैथमेटिकल क्वांटिटी आएगी साथ में क्या हो जाएगी टेस्ला मीटर तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था वेरी सिंपल इस टाइप का जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर्कुलर लूप है वायर है वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में है जिसका सर्कुलर लूप का रेडियस हमारे पास है फोर्टीन सेंटीमीटर और जो इस पर वोल्टेज काम कर रही है वो क्या है टू पॉइंट टू वोल्ट सोर्स लगाया हुआ है हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से करंट फ्लो कराया जा रहा है तो वायर का रेजिस्टेंस क्या है टेन ओम पर मीटर तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप तो सबसे पहले हमारे माइंड में मैग्नेटिक जो है मोमेंट का कुछ फॉर्मूला हमारे माइंड में आना चाहिए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है किसी भी करंट लूप की तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं दैट इज़ इक्वल टू एन इंटू आई इं ए वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है नंबर ऑफ टर्स इन द लूप आई हमारे पास होता है करंट एंड ए हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ द लूप दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन तो सबसे पहले हमारे पास जो है एरिया हम निकाल सकते हैं तो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप क्या होता है सर्कुलर लूप हमारे पास मेंशन है पाई आर स्केर ये क्या गिवन है ट्वेंटी टू बाई सेवन इन और हमारे पास क्या है रेडियस फोर्टीन सेंटीमीटर तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर्टीन इंटू फोर्टीन इंटू में क्या हो जाएगा ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन मीटर इज़ इक्वल टू टेन टू दी पावर माइनस टू सेंटीमीटर सॉरी वन मीटर कितना होता है वन मीटर इज इक्वल टू टू पावर टू सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस क्या गिवन है सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो टू रूपावर माइनस टू हो जाएगा तो रेडियस के साथ क्या जाएगा टेन टू दी पावर माइनस टू होल स्केर ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स जैसे कि मैं यहाँ मिस्टेक करने वाली थी कि वन मीटर जो है टेन टू पावर माइनस टू ले लिया था बाई मिस्टेक मैंने ये होता है क्या है वन मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर लेकिन हमारे पास रेडियस जो है सेंटीमीटर में गिवन था इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास टेन टू द पावर माइनस टू मीटर होल के तो हमारे पास क्या आ गया है सेवन टू फोरटीन इंटू टू ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर मीटर स्कीयर तो क्या हो गया ट्वेंटी एट तो ये हमारे पास आ गया सिक्स सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर मीटर स्कीयर अब हमारे पास जो है आई ए आ चुका है और जो है हमें क्या निकालना है करंट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमें गिवन है कितनी गिवन है टू वोल्ट उसके बाद जो है हमारे पास क्या चाहिए ओम स्लो पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है जिससे वी हमें पता है आर हमें पता है आई निकाल सकते हैं यहाँ पे फिर से केयरफुल है ना रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है टेन ओम पर मीटर मीन्स रजिस्टेंस पर मीटर हमें गिवन है तो रजिस्टेंस पर मीटर हमें क्या गिवन है वैल्यू तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है बड़ी केयरफुली पढ़नी होगी रजिस्टेंस पर मीटर ऑफ दी वायर तो क्या गिवन है ये हमारे पास जो है टेन ओम पर मीट लेकिन हमें तो जस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इंटू लेंथ ऑफ द वायर हम तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी इससे पहले सर्कुलर लूप के अंदर वायर को कन्वर्ट कर दिया था जो हमने कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है लेंथ ऑफ द वायर सर्कुलर लूप के अंदर है तो वो सर्कम हो जाती है जो सर्कल की सर्कम है टू पाई आर टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर्टीन इंटू टेन टू दावर माइनस टू दैट इज इक्वल टू ये यहाँ से जो है थ्री पॉइंट वन को हम ट्वेंटी लिख सकते हैं सिंपल रहेगा है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोटीन इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू तो क्या हो रही है सेवन टू ये हमारे पास आ रही है एट्टी एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर तो अब हमें क्या चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए टेन इंटू एटी एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू यही हो जाएगा और यहाँ से कितना ओम आ रहा है हमारे पास एट पॉइंट एट ओम एट पॉइंट एट ओम तो रेसिस्टेंस आ चुका एरिया आ चुका करंट चाहिए हमें वी नीड करंट एन हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्न हम क्या लेके चलेंगे वन लेके चलेंगे तो अब हम यहां से चेक करते हैं अपना करंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर वी इज गिवन एस टू पॉइंट टू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है अभी हमने निकाली थी एट पॉइंट एट है तो ये क्या आ गई वन बाई फोर है और ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो पॉइंट टू फाइव एम्पियर इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी एन इंटू आई इंटू ए एन की वैल्यू है वन आई की वैल्यू है जीरो पॉइंट टू फाइव और एरिया हमने क्या निकाला था ये हमारा ये था सिक्स सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए सिक्स सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर और एंड इट कम्स आउट टू बी ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इंटू सिक्स सिक्सटी इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और यूनिट हमारे पास क्या आएगी आई की यूनिट क्या है एम्पियर एरिए की यूनिट क्या ले रहे हैं हम पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था और एन जो है हमारे पास जस्ट टर्न है तो हमारे पास दिस इज आवर एम तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन हम निकाल लेंगे